देख सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी अचार हमारे गांव के यूपी स्टाइल अचार बनकर तैयार हुआ है। इस अचार को बनाने का तरीका भी मैं बाद में आपको बताऊंगी। ये अचार बनाने के बाद मैंने ये क्लिप थोड़ा सा पहले डाल दिया था, जो देखिए कितना टेस्टी अचार बनकर तैयार हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आम के अचार की रेसिपी लाई हूँ, अपने गांव के तरीके से, अपने मम्मी और दादी के तरीके का आम का अचार है। और ये अचार मेरी दीदी के हाथों का अचार है। तो आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये देख लीजिए, एक कटोरी में सरसों है और एक कटोरी लहसुन इसमें है, बाकी ये लाल मिर्च है। हींग पूरा इसमें पड़ेगा, क्योंकि अचार में हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है, हींग का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये मिर्चा है, तो आम का अचार है खट्टा होता है, तो उसमें तीखा करना ज़रूरी है। और वो जीरा है, जीरा के बाद ये मिक्स के मसाले हैं, और ये सौंफ है। सौंफ आप देख लीजिए, मोटा वाला सौंफ या बारीक वाला दोनों चलेगा। और ये है कलौंजी, और यहाँ पर है धनिया। तो ये सारे मसाले अचार में डालना बहुत ज़रूरी होता है, तो इन मसालों को लेना आवश्यक है। और आम को मैंने रात भर पानी में भिगो के रख लिया है, जिससे आम को काटने में आसानी हो। आम जब रात भर भिगो के रखा रहता है, तो काटने समय एकदम मुलायम हो जाता है, और आसानी से आप इसको पहसुल या हसुए से काट सकते हैं। अब मसाले को भूनने की बारी है, तो यहाँ पर एक एक करके सारे मसालों को आपको मॉइस्चर छोड़ने तक भूनना होता है। हाँ, इसको एकदम भूनना नहीं होता, बस इसके जो मॉइस्चर होते हैं, नमी होती है मसालों के अंदर, उस नमी को हमें ख़त्म करना होता है। तो धनिया के बाद अब हम सौंफ को भूनेंगे। तो बारी बारी से भी आप भून सकते हैं, एक साथ भी भून सकते हैं मसालों को। तो सौंफ थोड़ा सा मॉइस्चर निकल गया है, अब इसी में हम जीरा डाल देंगे। जीरे को भी थोड़ा सा मॉइस्चर निकलने तक चलाएंगे। तो यहाँ पर जीरा और सौंफ ये बहुत लो फ्लेम में पे ही भूने, तेज़ फ्लेम पे मत भूनिएगा, वरना ये मसाला ज़्यादा भुन जाएगा। तो आप देखिए, मसाले का मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। तो मसाले अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ सरसों। सरसों को भी केवल गरम करना होता है, सरसों को भी ज़्यादा भूनना नहीं होता। तो बारी बारी से सारे मसालों को अच्छे से भून लेना है, मॉइस्चर छोड़ने तक। इसमें बरसात का सीज़न है, तो मसालों में मॉइस्चर होता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है लाल मिर्चा। लाल मिर्चा भी मेरा एकदम भुन के रेडी हो गया। तो अब ये पंच फोरन जो मसाले होते हैं, वो भी इसमें डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो पंच फोरन के साथ अजवाइन और काली जीरी दोनों डाल दिया है मैंने, मंगरेल। और उसके बाद यहाँ लहसुन डाल दिया, लहसुन को भी थोड़ा सा भून लेंगे। और इस अचार में लहसुन का एक अलग ही टेस्ट आता है, तो लहसुन डालना ज़रूरी है। और आम के छोटे छोटे टुकड़े देखिए कितने आसानी से कट गए हैं आम। अब इस पंचफोरन मसाले के साथ लहसुन को हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, दरदरा होने तक इसको क्रश कर लेंगे, ताकि इसका टेस्ट अच्छे से आ जाए। और देखिए, पंचफोरन मसाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये है हींग, हींग को हम पूरा डाल देंगे, क्योंकि हींग का टेस्ट ही हमारे मसाले को ज़्यादा अच्छा बनाता है। तो हींग को पूरा डालना है। उसके बाद ये मसाले ठंडे हो गए हैं, तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा पीस लिया है मैंने। और मसाले को दरदरा ही पीसे, तभी मसालों का अच्छा टेस्ट आता है। तो सारे मसालों के एक साथ पीसने के बाद मैंने सरसों को अलग पीसा था। और ये देखिए, आम कितने आसानी से कट रहे हैं। तो ये आम मेरी दीदी की सास कट कर रही हैं, तो ये वीडियो उन्हीं ने ही मुझे बना के दिया था। ये बहुत ही अच्छा आम का अचार है, हमारे यूपी स्टाइल में आम का अचार बन रहा है। और देखिए, वहाँ पर लोग कितने मेहनत से आम को रात भर भिगो के, फिर उसको पहसुल, या हमारे यहाँ हसुआ यूज़ होता है, हसुआ ये बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये आपको दिखाऊंगी मैं अभी, हसुआ कैसे दिखता है हमारे यहाँ का, इस तरीके का हसुआ दिखता है हमारे यहाँ का। और देखिए, आम काटने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आम बहुत आसानी से कटता, क्योंकि आम बहुत सख्त तो होता है भिगोते, इसीलिए। और यहाँ पर तेल को गर्म कर लिया गया है, क्योंकि लहसुन भी इसमें पड़ेगा, तो लहसुन को थोड़ा सा पकाना ज़रूरी है। तो पहले इसलिए लहसुन और पंचफोरन मसाला इसमें डाला गया है, ताकि ये अच्छे से, मतलब लगता 50% तक पक जाए। उसके बाद इसमें हल्दी, गरम मसाला भी थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो आप याद रखिएगा कि अचार यूपी स्टाइल में एकदम देसी तरीके से बन रहा है।
उसके बाद इसमें आम डालकर मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर दिया गया है और इस आम को गरम तेल में अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा ताकि जो पंचफोरन मसाले और लहसुन की टेस्ट है, खुशबू है, वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद इसमें ऐड किया जाएगा नमक। तो नमक आप अचार में थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करिए ताकि अचार ख़राब ना हो। नमक ऐड करने के बाद ही हम इसमें हमारे पीसे हुए दरदरे मसाले ऐड करेंगे। तो ये है सरसों और ये है गरम मसाला, तो दोनों को बारी बारी से ऐड कर लेंगे। तो अचार बनकर तैयार हो गया है मेरी यूपी स्टाइल में। मैं अभी जा रही हूँ मंदिर, तो आप भी चलिए हमारे साथ मंदिर। तो आज मैंने ब्लैक वाला ड्रेस फिर से पहना है और आज शनिवार का दिन है। बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी शनिवार की वजह से। पूजा करके निकली हूँ तो अभी मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर दी। पीछे मेरे फूल बहुत सुंदर हैं। अब मैं जा रही हूँ घर। घर पे पहुँच कर इस ब्लॉग का एंड करूँगी। और मैंने पूजा का बिल्कुल नहीं दिखाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि पूजा मैं अकेले गई थी और पूजा करते समय रिकॉर्डिंग अगर कोई और लिया है तो वो जाता है, वरना खुद से नहीं होता। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब उसमें रिकॉर्डिंग करना अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत ज़्यादा हो गई गर्मी और मैं सोच रही हूँ कि मैं इस वीडियो का कर देती हूँ यहीं पे एंड, और बाकी कुछ इस वीडियो में दिखा नहीं पाऊँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज शनिवार का दिन है तो मैं बस शाम की पूजा करके आ रही हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।